मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल चर्चित विधानसभा सीट सुरखी से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने राहतगढ़ में अपना नाम प्रदर्शन आवेदन जमा किया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सागर विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सुरखी विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री नीरज शर्मा ने गुरुवार को रिटर्निंग अधिकारी राहतगढ़ अशोक सेन के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। नीरज शर्मा ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए सहित चार व्यक्तियों की उपस्थिति में अपना नाम निर्देशन आवेदन जमा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा। सुरखी विधानसभा से भाजपा ने पुनः मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने नीरज शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं नीरज शर्मा के बीच सीधा मुकाबला। आपको बता दें कि पिछले दो माह पहले नीरज शर्मा ने भाजपा से इस्तीफा दिया था और ली थी कांग्रेस की सदस्यता। सागर राहतगढ़ से भगवान सिंह प्रजापति के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। अब आगे क्या रणनीति रहे? आगे की रणनीति राहतगढ़ के एक माता, एक एक पिता, एक एक भाई, हमारे बुजुर्ग पर, हमारे सुरखी क्षेत्र के समस्त भगवान अतुल हमारी माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब लोगों की रणनीति। नीरज शर्मा की कोई रणनीति नहीं है, जो रणनीति है आपको सामने दिख रही है, इसी रणनीति पर आशीर्वाद हमको मिलेगा जी। अब आप कौन कौन से एजेंडे लेकर मैदान में जाने वाले हैं? आप सबसे पहले तो खुशी है क्षेत्र की, 75 साल बाद सुरखी से, बलेहरा से, जैसी नगर से, सीहोरा से, राहतगढ़ से, परिवार का, गांव का, क्षेत्र का एक बेटा को, एक भतीजे को, एक भाई को कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी ने सेवक बनाया है। इससे बड़ी खुशी सुरखी विधानसभा के हमारे भगवानों को और कुछ हो नहीं सकती। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।